नमस्कार साथियों, जितने भी स्टूडेंट्स आज BCCELE का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप सभी कंफर्टेबल महसूस करें और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसे आप लोग ना झेलें। साथियों, सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ और आपके इंग्लिश के कुल 50-50 करके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके पास समय कितने मिलते हैं इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, तो आपको समय मिलते हैं 135 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 135 मिनट हुए। और बनाने कितने सवाल हैं, 150 सवाल। तो साथियों, यह पॉसिबल है ही नहीं, यह असंभव है कि आप 135 मिनट में आप सारे 150 सवाल को बना पाइएगा। हाँ, ये तो फिल कर देना, रंग देना, वो तो आप 5 मिनट में भी पूरे 150 सवालों को रंग सकते हैं, 15 मिनट में भी रंग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सारे सवालों को डील करना, सारे सवालों को सॉल्यूशन के साथ बनाना। तो यह संभव है कि आप 135 मिनट में 150 सवाल बना पाइएगा, क्योंकि एक सवाल आपके मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर आप बनाने बैठिएगा तो कम से कम 5-5 मिनट आपका लग जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक का उपयोग कीजिएगा तो 1 से 2 मिनट में बन पाएगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट 1 मिनट तो आपको लगेगा ही आपके मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। वही बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 50 सवालों को 25 मिनट में भी बना सकते हैं अगर आप महारथी हैं, आपने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है। तो इंग्लिश से आपका रैंक निर्धारित नहीं होता है, उसमें आपको चाहिए होते हैं 35 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं तो आप 12 बना देते हैं तो 12 चौके 48, यानी कि 48 मार्क्स होते हैं। और मतलब निगेटिव मार्किंग भी एक है, तो आप लोग इंग्लिश में 15 बनाइए, मात्र 15 ही बनाइए अगर आप कंफर्म है कि मेरा ये सही है तो। और अगर आप और भी ज़्यादा टाइम, अगर आपको कन्फर्म नहीं है, डाउट है, तो आप 20 बना दीजिए। लेकिन ये सवाल कहना है किनका, मतलब 20 ही बना के आइए, इंग्लिश में ज़्यादा समय नहीं दीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप कंफर्म है तो ठीक है, आप नहीं बनाइए। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो कि कम तेज है या फिर जिन्हें डाउट है कि मैं इंग्लिश में पास होऊंगा कि ना होऊंगा, तो उनके लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स जो कि अपना अच्छा रैंक चाहते हैं, अच्छा मतलब चाहते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा मनचाहा कॉलेज मिले, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि चूँकि आपने 150 क्वेश्चन 2 घंटे 15 मिनट में नहीं बना पाइएगा तो अच्छा रैंक कैसे आए। तो एक तो उपाय है कि अगर आप सबसे बहुत ब्रिलियंट है, आपने खूब जम के पढ़ाई किया है, तब तो आप ला सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। बट उन सभी स्टूडेंट्सों को भी मैं कहूँगा कि क्या होते हैं, अंत के समय में जो तुक्का मारना होता है उसे आप लोग ज़रूर मारिए। क्यों मारिए, क्योंकि और कैसे मारना है वो भी मैं बताऊँगा। साथियों, जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अपना सीट को कंफर्म कर चुके हैं उन्हें अगर बहुत ही अच्छा रैंक भी चाहिए तो भी आपको मारने हैं तुक्का। क्यों मारने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आपने 150 सवालों को 135 मिनट में आप नहीं बना पाइएगा, तो आपको कैसे तुक्का मारने हैं और किस प्रकार से और कब मारने हैं मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं तुक्का क्यों मारा जाए। साथियों, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होने वाले हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक सही होने वाला है। तो मान लेते हैं आप अगर 4 सवाल बनाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से आपने एक सवाल बिल्कुल सही बनाया है। मैं तुक्के की बात कर रहा हूँ, आप 4 बनाइए, 4 सही से बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आँख मून के किसी को घस देना, किसी भी ABCD ऑप्शन को घस देना, अगर आप 4 घस देते हैं 4 सवालों में तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक सही होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो इसलिए देखिए, 4 में से आपका एक सही हुआ तो आपको मिले कितने, एक सही होने का आपको मिले 4 नंबर, और 3 गलत हुए उसका मिलेगा -3, तो फिर भी आपका +1 हाथ में है। यानी कि जो आपने तुक्का मारा है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका +पॉइंट होने वाला है। तो ये तुक्का आपको लास्ट के 5 या 10 मिनट में ही मारने हैं, ठीक है। आपके अंत के 5 या 10 मिनट बचे रहे तो आप क्या कीजिए, सवाल को बनाना छोड़ दीजिए और सारे को घस दीजिए। अब कैसे घसना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिए, तो ये एक 4 सवाल में आपका 1 प्लस पॉइंट हो रहा है जब आप पूरे आँख मून के बना रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं तो। लेकिन साथियों, उसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेते हैं, आप मान लीजिए
19 में 30-20 आपने बनाया, बाकी बात बचा 20 या फिर जो भी आपके 30 सवाल बचे उसमें मान लीजिए आपने क्या करने हैं, फिलअप कर देने हैं सभी को। किसी भी ऑप्शन को आप एक को ही पकड़ लीजिए जो आपका नहीं बना, उस ये नहीं कि किसी में ए मार दिए, किसी में बी मार दिए, किसी में डी मार दिए, नहीं, आपको पकड़ने हैं किसी एक ऑप्शन को। या तो आप बी को पकड़ लीजिए या फिर आप सी को पकड़ लीजिए, और आपको जो भी आपका नहीं बना हर एक में उसी को आपको फिल करना है। आपने बी पकड़ा है तो बी को घंस दीजिए, जो जिसमें आपका नहीं बना उसमें आप बी घंस दीजिए या फिर आप सी घंस दीजिए, ठीक है। और साथियों ऐसा करने से मान लीजिए आपने 30 सवाल क्या किया, तुक्के से बनाया, 30 सवाल में से आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कम से कम आपका लगभग 8 सवाल सही होने वाला है। और आपने बी या सी को पकड़ा है तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको 10 सवाल सही होंगे। 30 आपने क्या मारा, तुक्का मारा, जिसमें से आपका 10 सही होने वाला है, तो आपके कितने नंबर मिलेंगे, 40 और 20 गलत हुआ उसका कटेगा 20 नंबर, तो उसमें से भी प्लस 20 आपका एक्स्ट्रा मार्क्स रह रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि तुक्का तभी मारिए जब आपका 10 या 5 मिनट बचा हुआ रहे, तभी आप जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है उसे मार दीजिए। अब तुक्का कैसे मारा जाए, तो साथियों मेरा कहना है कि आप 3 प्रकार से तुक्का मार सकते हैं। एक तो आपको क्या करने हैं, आप ऑप्शन पकड़ लीजिए किसी एक को, या तो बी को पकड़िए या सी को पकड़िए। तो मेरा कहना है कि इंग्लिश में आप बी को पकड़े तो ज़्यादा अच्छा है, बी ऑप्शन को आप पकड़िए तो ज़्यादा अच्छा है। इंजीनियरिंग मैथ या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप बी या सी नहीं, आपको सी पकड़ना है, सी को आपको घसने हैं उसी में जिसमें आपको आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, सी को ही आपको कॉन्स्टेंटली पकड़ लीजिए। और एक और ऑप्शन है जो आप तुक्का मार सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ए घस रहे हैं, सेकेंड में आप बी घसिए, थर्ड में आपको सी घसना है, फोर्थ में आपको डी घसना है, मतलब ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन में पहले में अगर आपने ए मारा, बी मारा, नेक्स्ट में थर्ड में आपको सी मारना है, फोर्थ में आपको डी मारना है। तो बी सी सी एली का पैटर्न भी इसी प्रकार से होता है कि आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन में ही ज़्यादा आंसर नहीं मिलता है, आपको क्या करते हैं तो वो लोग ऐसे पैटर्न बनाते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन कवर अप हो जाए, सारे ऑप्शन यहाँ पे बच्चे के सामने हो, ताकि कोई ए बी बी घस दिया है तो उसे ज़्यादा नंबर ना मिले। मतलब आपने, मैंने बताया कि इंजीनियरिंग इंग्लिश में आपको क्या मारने हैं, बी मारने हैं जो आपसे नहीं बन रहा हो, और फिर जिसमें आपका बन रहा है उसे तो आप सही सही मार के आइए, क्योंकि नेगेटिव करने से आपका घाटा है। जो आपसे फिर आया क्या, इंजीनियरिंग मैथ, इंजीनियरिंग मैथ में आपको सी मारने हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सी मारने हैं, या फिर आप इस प्रकार से पैटर्न कर सकते हैं कि फर्स्ट में ए, सेकेंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी डी। डी ऑप्शन थोड़ा कम संभावना रहती है, बाकी ए बी सी डी आपके बहुत ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। तो ए उन बच्चों के लिए था जो कम पढ़े हैं, उनके लिए तुक्का मारने का उपाय मैंने बताया। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रैंक अच्छा चाहिए, तो आपको सारे क्वेश्चन को घसना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉपर बन पाइएगा। और जो जो मान लीजिए 2 घंटे 15 मिनट में 50-60 क्वेश्चन बना देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो लोग इन सब चीज़ों में मत पड़िए, वो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप ऐसे भी आपका बन जाए, कॉलेज मिल जाएगा, तो तुक्का मारने से क्या फ़ायदा। साथियों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। इंग्लिश में आप अप्लाई करते हैं तो आपको मतलब क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरा आपको 90% गारंटी है। तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे चीज़ें कोई भी शिक्षक आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च के साथ आपको बताया है, क्योंकि शिक्षक तो आपको पढ़ाने वाले होते हैं, और शिक्षक तुक्का मारना के लिए कहेगा भी मत, मतलब मैं आपका दोस्त हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, तो मैंने आपको बताया है, पूरे साइंटिफिक तरीके से बताया है और लॉजिकली बताया है, इसे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।